हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टाउन कीपर में वॉलेट कैसे बनाएंगे। टाउन कीपर में वॉलेट बनाने का इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताने वाले हैं। टाउन कीपर वॉलेट कैसे क्रिएट करेंगे आपको इस वीडियो में सारा डिटेल आपको प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से आपको बनाना है आप इजीली सीख जाओगे। तो टाउन कीपर वॉलेट क्या है ये मैं आपको बता दूं। टाउन कीपर वॉलेट है, आप जैसे हैमेस्टर कॉम्बैट में जैसे कि आप कॉइन यहाँ पे अर्न करके रखे हो, उसको आप टाउन कीपर वॉलेट में आप ट्रांसफ़र करके आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जितना भी आपका वहाँ पे आप अर्निंग किए हो आप अपने यहाँ पे टाउन कीपर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो टाउन कीपर वॉलेट कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको सिखाते हैं इस वीडियो में। तो टाउन कीपर वॉलेट का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर में आपको जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टाउन कीपर, यहाँ पर लिखना है टाउन कीपर। तो इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड, टाउन कीपर वॉलेट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। यहां पे मैं डाउनलोड करके रखा हूं, तो सिंपली मैं यहां पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करेंगे, कुछ टाइम इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू वॉलेट, उसको आपने पहले से वॉलेट को क्रिएट करके रखा है यानी टेलीग्राम वॉलेट को क्रिएट करके रखा है, तो आप यहां से इंपैक्ट कर सकते हो यानी लिंक कर सकते हो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। अगर आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है तो यहां पे क्रिएट न्यू वॉलेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू पासकोड, यहाँ पर आपको 4 अंक का पासकोड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर 4 अंकों का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ पासकोड। यहाँ पे पासकोड क्रिएट मैंने कर लिया। उसके बाद क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे नीचे इनेबल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जो भी आपको नोटिफिकेशन है और सारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जो मिलेगा यहाँ पे आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टाउन कीपर वॉलेट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको रिकवरी मेल यहाँ पे रिकवरी सेट करना है। अगर आप टाउन कीपर वॉलेट आपका डिलीट हो गया कुछ कारण से, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको फिर रिकवर कैसे, तो आप रिकवर फिर कर सकते हो अगर आपका डिलीट हो जाता है। तो आपको सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या करना है जैसे कि यूज बायोमेट्रिक ए अप्रूव ट्रांजैक्शन, तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको पासकोड जो बनाया था वो आपको पासकोड यहाँ पे खोजेगा, पासकोड इंटर कर लेना दोबारा से। उसके बाद यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट खोजेगा, तो फिंगरप्रिंट आपको लॉक आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन है ज्वाइन टाउन कीपर चैनल, यहाँ पे टाउन कीपर टेलीग्राम पे चैनल ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। और नीचे यहाँ पे की का ऑप्शन आ रहा है, जो चाबी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बैकअप द वॉलेट रिकवर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकअप कर लेना है, जैसे कि कंटिन्यू का ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे रिकवरी प्रेस यहाँ पे दिया हो, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पे आपको फिर पूछेगा कि आपको यहाँ पे 1-2 में क्या लिखा हुआ था ये पूछेगा, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद आपको इंटर करना है, जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सारा को यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना है या आपको लिख करके रख लेना। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे चेक बैकअप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चेक बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि चेक बैकअप 4 नंबर में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे डाल देना। उसके बाद 15 नंबर में क्या लिखा हुआ था, 22 नंबर में क्या लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे जैसे कि देख लेता हूँ। यहाँ एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा 4 नंबर में यहाँ लिखा हुआ था, वाइल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको और कितना है 15 नंबर और यहाँ पे 22 नंबर। तो 15 नंबर में यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद 22 नंबर में जो लिखा हुआ है डाल देना। हो सकता है आपका दूसरा यहाँ पे नंबर आ सकता है, मेरा यहाँ पे जो नंबर आया वो नहीं आपका आएगा, हो सकता है आपका दूसरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको, चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन को मैंने इंटर कर लिया है, यहाँ पे 4 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पे आपको 22 नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको बैकअप चेक का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको डन का ऑप्शन आ रहा है, तो डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो रिकवरी यहाँ पे सेट हो चुका है। आप यहाँ पे कभी भी ये एप्लीकेशन अगर टाउन कीपर आपको डिलीट हो जाता है तो आप उस नंबर से जो आपने नंबर यहाँ पे सेट किया था और वहाँ पे आपको जो आपने उससे आप रिकवर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टाउन कीपर बाय करने का जैसे ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि टाउन कॉइन यहाँ पे आप बाय कर सकते हो,
यहाँ से आपको कॉइन बाय करने के लिए USD यहाँ पे बाय कर सकते हो जैसे कि। तो यहाँ से आपको हिस्ट्री आपको दिख जाएगा, उसके बाद ब्राउजर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टाउन कीपर बाय या सेल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, बाय सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाउन कीपर यहाँ पे बाय करने के लिए या सेल करने के लिए यहाँ पे आपको शो वाले सीन ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप टाउन कीपर को बाय कर सकते हो जैसे कि बाय टाउन विथ NRI। तो यहाँ पे आपको इंडियन रुपीज़ में बाय कर सकते हो, आपको मिल जाएगा टाउन कीपर। तो यहाँ पे आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना है। अब यहाँ पे आपको टाउन कीपर बाय करने के लिए यहाँ पे अमाउंट आपको इंटर कर देना, यहाँ पे इंडियन रुपये में आपको इंटर करना है। जैसे कि मिनिमम आपको यहाँ पे 1070 यानी 1070 रुपया का यहाँ पे आपको टाउन कीपर आप बाय कर सकते हो मिनिमम यहाँ पे। तो मैं 1070 रुपया डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको टाउन यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1.94 यहाँ पे टाउन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक लगा करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट इमेज विथ, यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हो आप जिस भी नंबर को इंटर करेंगे उस पर एक OTP आएगा, तो OTP को मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। कुछ टाइम वेट करेंगे, OTP यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, OTP यहाँ पे आ चुका है, कॉपी करना है। यहाँ पे आपको OTP इंटर कर लेना है, OTP को यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफिकेशन यहाँ पे जैसे कि हैज बीन सक्सेसफुल हो चुका है, कंप्लीट योर KYC का ऑप्शन आएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको टॉप कॉइन है जो आपको परचेस हो जाएगा, आपका बाय सेल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप टाउन कीपर वॉलेट को आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से बाय और सेल कर सकते हो। और अगर आपको टाउन कीपर को यहाँ पे आपको सेंड करना है तो सेंड पे क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट नेम डालना है और यहाँ पे कमेंट डालना है, सारा कुछ आपको यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। स्कैन करके किसी को QR कोड को स्कैन करके टाउन कीपर को आप उसको सेंड कर सकते हो और यहाँ पे स्वाइप अप कर सकते हो, स्वाइप अप करके आप सेंड कर सकते हो। यहाँ से आप रिसीव भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो किसी को आपको स्कैन करने के बोल के स्कैन कर सकते हो, या आप यहाँ पे कॉपी करके और किसी को सेंड करके आप टाउन कीपर को यहाँ पे आपको रिसीव कर सकते हो। तो इसी तरह से आप टाउन कीपर में वॉलेट क्रिएट करके आप किसी भी कॉइन को आप यहाँ पे किसी भी हेमेस्टर कॉम्बेट का कॉइन को यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, टाउन कीपर के द्वारा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपने सीख गया हुआ आपको टाउन कीपर वॉलेट कैसे क्रिएट करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सनी कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।